चतरा पुलिस ने लवालौंग कुंदा और सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी में 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 37 किलो गीला अफीम और 20 किलो डोडा बरामद किया गया। प्रेस वार्ता में एसटीपीओ वरुण रजक ने बताया कि चतरा एसपी ऋषभ कुमार झा को गुप्त सूचना मिली थी कि चेतमा गांव में रामलाल गंजू के घर पर भारी मात्रा में अफीम छिपा कर रखे गए हैं। टीम ने रामलाल गंजू के घर पर छापेमारी की। इस दौरान जंगल का फायदा उठाकर रामलाल भागने में सफल रहा। एसडीपीओ ने बताया कि छापेमारी के दौरान बगल के घर से भी अफीम डोडा बरामद किया गया। इसके साथ ही तस्कर कैलाश गंजू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चेतमा गांव में रामलाल गंजू के घर में अवैध अफीम रखा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक चतरा के आदेशानुसार एसडीपीओ चतरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी किया गया, जिसमें 20 केजी 500 ग्राम अवैध अफीम और 20 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया। साथ ही